हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम डिफेंस चैनल स्टूडेंट्स। सो आज हम दोबारा जो है एक नए सेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रनाउन चैप्टर के अंदर जो आपको पता है हु और हुम का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी सिचुएशन में हम हु को यूज़ करें और कौन सी सिचुएशन में हम जो है हुम को यूज़ करें, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर करूँगा बड़े सिंपल मेथड से, ठीक है। आप ईजिली जो है आप डिटरमाइन कर पाओगे कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपको, किस सिचुएशन में आपको हु को यूज़ करना होगा और कहाँ पे आपको हुम को यूज़ करना होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टेटमेंट है हु वर्सेस हुम, तो पहले मैं एक थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आपको। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होने चाहिए एज ए स्टूडेंट, फंडामेंटल जिसको बोलते हैं। तो जितने फंडामेंटल्स आपके अच्छे होंगे तो ऑब्वियस है कि ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को जो है कैच करते चलोगे लेटर ऑन, राइट। तो कुछ ऐसे बातें हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट क्या होता है, अगर सब्जेक्ट की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट या तो सेंटेंस में नाउन होता है या जो है प्रनाउन होता है, राइट। मतलब मोस्टली देखा गया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो या तो नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन एंड प्रनाउन ही होते हैं, नाउन या तो प्रनाउन। मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। वर्ब के बाद जो वर्ब होती है उसके बाद जो स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी वर्ब के बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई मिल रहा है, अगर हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई मिले तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाता है, राइट। मतलब बोल बोल के भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट आप याद रखें कि नाउन या प्रनाउन आ गया तो इमीडिएटली कैच कर लें कि वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्लियर। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हर वर्ड उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही होता है। मतलब आफ्टर प्रेपोजिशन जो भी वर्ड होगा वो उसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा, लेकिन वर्ब के बाद हर वर्ड जो है उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब के बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई होंगे, व्हाट या हुम का हमें रिप्लाई मिल रहा होगा तब वो फिर ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, क्लियर। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर नाउन या प्रनाउन डायरेक्ट वर्ब के बाद लिखा हुआ आ रहा है तो वो मीन्स उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। लेकिन प्रेपो के बाद आने वाला हर वर्ड जो ऑब्जेक्ट ही होता है। अब इसी सिंपल मेथड से जो हम डिटरमाइन करेंगे और एरर निकालते चलेंगे, जैसे पहली स्टेटमेंट है, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है, तो इस सेंटेंस को हम अगर रीड करेंगे, द पर्सन हु अब्लिक हुम, मतलब आप लोगों ने बताना है यहां पे हु आना है या हुम आना है। दे आर रेफरिंग टू इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड, राइट, दिस द स्टेटमेंट। अब हमें देखना है कि यहां पे हम अगर आप ट्रांसलेशन मेथड लगाओगे तो आप यहां पे पता नहीं लग पाएगा आपको कि हु आएगा या हुम आएगा। सेंस के आधार पे अगर आप कर रहे हो तो वो अलग बात है, बट सेंस के आधार पे भी आप लंबी स्टेटमेंट में वहां पे जो है आपको गलती हो सकती है। लेकिन लॉजिकली अगर हम चले, फॉर्मूला अगर यहां पे टिपिकली लगाएं हम, सब्जेक्ट और वर्ब का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो हम देख पा रहे हैं द पर्सन यहां पे स्टूडेंट सब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट नंबर वन आ गया, इज द सब्जेक्ट नंबर वन। अब कई बार ऐसा भी होता है कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्स लेवल कर रहा है सब्जेक्ट के साथ। वैसे तो देखो हम बोलते हैं कि ही इज गोइंग, तो हमें पता ही ही सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो ही है, साथ में लिखी हुई वर्ब है सब्जेक्ट के। दे आर प्लेइंग, सब दे के साथ आर लिखा हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब मेंशन है। लेकिन इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि द पर्सन के साथ उसकी वर्ब यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाता है कि सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब नहीं गिवन हो, तो हमेशा उस सेंटेंस को तुमने रिवर्स ऑर्डर में पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, राइट। तो आप पीछे से जब पढ़ोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ पे जो इज मिल जाएगा आपको, तो ये जो इज है ना ये इस सब्जेक्ट की वर्ब है। द पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर वन है और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब नंबर वन है वो ये है, यहाँ पे वर्ब नंबर वन। तो आप इसको अब रीड भी करना है, फिर अब आप इसको पढ़ के देखें। नाउ रीड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, द पर्सन इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड, तो बिल्कुल सेंस बन रही है, ठीक है। तो ये ट्रिक होता है बेसिकली, अगर सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब कभी नहीं लिखी हो सेंटेंस में तो उस सेंटेंस को आपने पीछे से पढ़ते हुए आना है और जो भी वर्ब आपको मिलेगी वो उसी सब्जेक्ट के लिए मेंशन होती है। दिस इज द सब्जेक्ट नंबर वन एंड दिस इज द वर्ब नंबर वन। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का आना मैंडेटरी होता है, हर सब्जेक्ट अपना वर्ब लेता है अपने साथ और एवरी वर्ब हैज टू टेक इट्स सब्जेक्ट ऑल्सो, राइट।
अ सब्जेक्ट कैन नॉट बी रिटन विदाउट इट्स वर्ब एंड अ वर्ब कैन नॉट बी रिटन विदाउट इट्स सब्जेक्ट. दोनों का एक साथ आना जरूरी है, ये इनका अग्रीमेंट है बेसिकली, जिस पे फिर एक अलग चैप्टर भी इंग्लिश में बनता है, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, राइट. तो इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई और वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, इनका अग्रीमेंट आपस में कंप्लीट हो गया. फर्दर आप मूव करें, दे इज द सब्जेक्ट नंबर टू, राइट, और आर हेल्पिंग वर्ब एंड रेफरिंग मेन वर्ब. अब एक बात आपको और क्लियर कर देता हूं, ये जो हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है ना, इनको आप कभी दो नहीं मानोगे, ठीक है. जैसे मैं बोलता हूं ही इज प्लेइंग, इफ आई से ही इज प्लेइंग, तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट ये सब्जेक्ट नंबर वन हुआ ही, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर इज अलग वर्ब है, प्ले जो है मेन वर्ब है, और डिफरेंट वर्ब है. इन दोनों का जो पेयर होता है वो मिलकर एक ही वर्ब बनती है, ध्यान रखना. तो ये वर्ब नंबर वन है, क्योंकि एक सब्जेक्ट की स्टूडेंट्स एक ही वर्ब होती है, राइट. तो सब्जेक्ट नंबर वन को वर्ब नंबर वन इस सेंटेंस में मिल गई थी, मींस द पर्सन का जो वर्ब है वो इज है. दे सब्जेक्ट नंबर टू है, आर हेल्पिंग प्लस मेन इक्वल टू वन ही वर्ब काउंट होगी, तो वर्ब नंबर टू हो गया, ठीक है. अब अगर हम बात करें हु और हुम की, तो ये जो होता है बेसिकली हु, मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं. जब हम टेबल बनाते हैं ना स्टूडेंट्स प्रनाउन में, तो टेबल में वहां पे लिखा होता है कि ये जो बेसिकली आपका हु जैसे सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, देन पोजेसिव होता है. मतलब ये प्रनाउन के अंदर एक टेबल हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, राइट. तो ये जैसे ही है, तो ही सब्जेक्ट है, सभी को पता है. हिम उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी तरह स्टूडेंट्स हु सब्जेक्ट होता है और हुम उसका ऑब्जेक्ट होता है. तो हमने ये ध्यान रखना है कि हु एज ए सब्जेक्टिव हमें यूज करना पड़ेगा, हुम हमें एज ए ऑब्जेक्टिव यूज करना पड़ेगा. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो सब्जेक्ट को लगाना है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड होगी तो ऑब्जेक्ट को ही आप लगाओगे. ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा तो आप वहां पे ऑब्जेक्ट लिख दोगे. ही इज अ गुड बॉय होगा, वहां पे हिम इज अ गुड बॉय तो हो नहीं सकता, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो ही लिखा जाएगा इज वर्ब से पहले, ठीक है. तो हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है. अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब यहां मिल गई, दे सब्जेक्ट नंबर टू है, आर रेफरिंग पेयर बन के एक वर्ब बनी, इसको अपना वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, इन दोनों का अग्रीमेंट यहां कंप्लीट हो गया. अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे इस सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है, यहां पे इस पूरी स्टेटमेंट में कोई और एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, राइट. एक वर्ब इसमें थी, आर और रेफरिंग मिलके एक हुई, ठीक है. आगे इज वर्ब आ रही है, वो वर्ब का सब्जेक्ट यहां पे उसने अपना अग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया, ठीक है. तो कोई जब एक्स्ट्रा वर्ब यहां पे नहीं है तो मींस हम यहां पे सब्जेक्ट नहीं लिख पाएंगे. अब सब्जेक्ट नहीं लिख पाएंगे तो आपको बता दिया हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, तो हु यहां पे गलत होगा, हु यहां पे करेक्ट होगा, राइट. क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है. अगर कोई वर्ब यहां पे थर्ड वर्ब नंबर थर्ड होता तो फिर उस वर्ब के लिए हम सब्जेक्ट नंबर थर्ड हु लिखते, राइट, फिर हुम नहीं लिखते. लेकिन यहां पे तो वर्ब कोई रही नहीं, वर्ब तो कोई पेंडिंग है नहीं, जब वर्ब नहीं है तो हम यहां पे हुम लिखेंगे ना कि हु लिखेंगे, क्लियर. तो ये हु और हुम पे ट्रिक चलता है, काउंटिंग करनी होती है, सब्जेक्ट कितने आ रहे हैं सेंटेंस में, वर्ब्स कितनी आ रही हैं, अकॉर्डिंगली आपको जो है पेपर में हिट करना होता है. सेंटेंस बनेगा राइट, द पर्सन हुम दे आर रेफरिंग टू इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड, राइट. सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज द सेंटेंस, आप इसको रीड करें एक बार देखें. The boy who oblique whom you see there made the top score in the last match, right? The boy, this is the subject number one. This is the S1, means subject number one. अब इस subject number one की again यहाँ पे verb साथ में नहीं लिखी हुई है. जब verb साथ में नहीं लिखी हुई है तो आप इसको reverse order से पढ़ना start कर दें. Reverse order से जब आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पाओगे कि यहाँ पे made verb आ गई, right? तो ये made यहाँ पे जो है verb number one है, और ये वर्ब किसकी है, इस सब्जेक्ट की. आप रीड करके देखें, आप पढ़ के देखें, द बॉय मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच, राइट. और सेंस भी बन रही है, पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि कई बार कॉम्प्लेक्स लेवल करके कुछ अलग बात भी डाल सकता है, वो भी मैंने आगे इसी पीपीटी में कवर किया है, ठीक है. तो आप रीड करेंगे तब आप पाओगे द बॉय मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच, तो बिल्कुल यहां पर सेंस बिल्कुल क्लियर है. तो बार बार बोल रहा हूं, जब सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब नहीं लिखी होती है तो आप रिवर्स ऑर्डर से रीड करें, जो भी बाद में जो वर्ब आएगी वो उसी सब्जेक्ट के लिए गिवन होती है, राइट. तो ये सब्जेक्ट नंबर वन था, इसकी वर्ब नंबर वन यहां पे आ गई, इन दोनों का अग्रीमेंट पूरा हो गया. फर्दर मूव करें, यू सब्जेक्ट नंबर टू,
एंड सी वर्ब नंबर टू, राइट, सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, इनका अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। तो इस सेंटेंस में अगर हम वर्ब चेक करें, एक तो यहां सी वर्ब आ रही थी उसका सब्जेक्ट साथ में लिखा हुआ है, एक दूसरी मेड वर्ब आ रही थी उसका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट को अपनी एस वन को वी वन मिल गई और एस टू को अपना वर्ब नंबर टू मिल गया। तो कोई एक्स्ट्रा वर्ब जब हम देख पा रहे हैं यहां पर, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में भी हु गलत है, हुम आएगा। द बॉय होम यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच, क्योंकि यहां पर कोई और वर्ब मैंशन नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई और वर्ब मैंशन नहीं है, तो ऑब्वियस है यहां पर जो है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ना कि सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहां पर हु लगाता हूं तो मीन्स मैं सब्जेक्ट लगा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट नंबर थ्री लगा रहा हूं, लेकिन सब्जेक्ट नंबर थ्री के लिए वर्ब नंबर थ्री भी तो होनी चाहिए ना, जबकि वर्ब नंबर थ्री यहां पर है ही नहीं, वर्ब नंबर थ्री तो मैंशनड ही नहीं है, तो इसलिए फिर सब्जेक्ट वहां पर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वहां पर आप करें हु। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सब्जेक्ट नंबर थ्री तभी लगा पाओगे जब इस सेंटेंस में कोई पेंडिंग वर्ब बचती, कोई और वर्ब होती, तो फिर उसके लिए हु लिखा जाता। आगे देखें, कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ाया है, देखना आपने ढंग से। वेरियस इंप्लॉइज, सब्जेक्ट नंबर वन, दिस इज द सब्जेक्ट नंबर वन, राइट। अब आप रिवर्स ऑर्डर में जब पढ़ना आप स्टार्ट करोगे तो आप यहां पे देखोगे एक्सप्रेस्ड लिखा हुआ है, तो आप कई बच्चे यहां पे गलती करने लग जाते हैं, वो इस एक्सप्रेस्ड को इस सब्जेक्ट की वर्ब मानने लग जाते हैं, जबकि आप ढंग से पढ़ोगे तो ये जो एक्सप्रेस्ड वर्ब है ये सब्जेक्ट की वर्ब नहीं है, ये नहीं है कि आपने देखा एकदम से, तो बोल रहा है एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी, मतलब कुछ सेंटीमेंट्स हैं, सेंटीमेंट्स होते हैं इमोशंस बेसिकली, फीलिंग्स, मतलब जो सीईओ के द्वारा जो है कंपनी का जो सीईओ थे उनके द्वारा जो सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस किया गया था, वही सेम जो सेंटीमेंट्स थे वो उन इम्प्लॉइज ने इकोड किए। इकोड क्या होता है, बेसिकली गूंजना, गूंज को बोलते हैं, ठीक है, जैसे आवाज़ टकराती है, पहाड़ों में आप चले जाओ जोर जोर से कुछ बोलोगे तो आवाज़ टकरा के आएगी, राइट। तो कुछ न्यू जैसे कोई घर बनता है तो उसमें भी अगर आप बोलोगे बात करोगे तो इको करेगी आपकी वॉइस। तो ये जो एक्सप्रेस्ड वर्ब है ये सीईओ के लिए है, ये इन्होंने ही बोला, तो ये गलती ना करें, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो ना, बोल के देखो, वेरियस इंप्लॉइज एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी, डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो इंप्लॉइज को थोड़ी कोई सीईओ एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस तो कोई आइडिया होता है, कोई ओपिनियन होता है, राइट। तो यहां पे जो है वेरियस इंप्लॉइज का जो सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, वो इकोड है, दिस इज द वर्ब नंबर वन। तो ये नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने रीड जरूर करना है, पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा कि क्या वो सेंस प्रॉपर बैठ रही है, बन रही है, तभी उसको वर्ब अज्यूम करें। ये नहीं है आपने डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, आपने एक्सप्रेस्ड देखा, आपने सीधा वहां पर इसको इसके साथ अटैच कर लिया, गलत हो जाएगा, राइट। लैंग्वेज है, सेंस भी बननी चाहिए। तो वेरियस इंप्लॉइज एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी डजंट मेक एनी सेंस, एक्सप्रेस हम किसी विचार को करते हैं, ओपिनियन को करते हैं, आइडियाज को करते हैं, राइट। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वेरियस इंप्लॉइज इकोड द सेंटिमेंट्स, मतलब जो इन इंप्लॉइज ने सेंटिमेंट्स को कहा, यहां पर हम इको का मीनिंग बोलने से रिलेट कर सकते हैं, जो उन्होंने बोला सेम वही आइडिया जो है, सेम वही सेंटिमेंट्स बोल रहा है सीईओ, जो कंपनी के सीईओ उनके द्वारा किए गए थे, राइट। तो इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई। आगे चलें, देखें वी सब्जेक्ट नंबर टू, राइट, मेट वर्ब नंबर टू, इनका अग्रीमेंट आपस में पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया इनका, सब्जेक्ट नंबर टू को वर्ब नंबर टू मिल गई। तो अब हम यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बची हुई है, हर सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल चुकी है, ठीक है। एक्सप्रेस्ड जो वर्ब है वो सीईओ के लिए लगा है, वो उन्होंने ही बोला, उनके द्वारा जो एक्सप्रेस किया गया था, राइट। तो इस वर्ब को आप ना अज्यूम करें, तो यहां पे भी आपका हु नहीं आएगा, राइट आंसर ओवर हियर वुड बी होम, क्लियर। वेरियस इंप्लॉइज होम वी मेट इकोड द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी। कर मैं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैं सब्जेक्ट काउंट कर रहा हूं, ठीक है, और मैं वर्ब्स काउंट कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली मैं अपने आंसर तक पहुंच पा रहा हूं कि मुझे हु लगाना है या होम लगाना है, क्योंकि वर्ब्स एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे, एक्स्ट्रा वर्ब वाले भी आने वाले हैं क्वेश्चंस जहां पे हु भी आएगा, अभी तक आप देख पा रहे हैं होम ही लगा रहे हैं हम, राइट। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यही बताई हुई यहां पर, एक हु एज ए सब्जेक्ट होता है, होम एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, राइट, ये बात पहले भी बता दी,
अब इस सेंटेंस को देखें, ही वॉज, अब सब्जेक्ट नंबर वन की वर्ब साथ में लिखी हुई है वन, दिस इज द वर्ब नंबर वन, राइट। सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, दोनों का कोटा पूरा, कोटा पूरा। आगे बढ़े, दे, सब्जेक्ट नंबर टू, राइट, डिटरमाइंड, ओके, डिटरमाइंड वर्ब नंबर टू, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, इन दोनों का अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, राइट। अब आप बोल के देखें, होम शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन, राइट। अब यहां पे जो शुड बी लगा है, शुड बी, शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और बी उसके साथ मेन वर्ब लगा दिया है, ठीक है, पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट गोइंग ऑन है, शुड बी, राइट। तो शुड बी यहां पे बनी हमारी वर्ब नंबर थ्री। तो वर्ब नंबर थ्री के लिए अब आप सब्जेक्ट नंबर थ्री लिखोगे, ऑब्जेक्ट नंबर थ्री लिखोगे, वर्ब के साथ हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब यहां पे हु गलत है, होम सॉरी गलत है, और आप यहां पे लिखोगे सब्जेक्ट नंबर थ्री एंड दैट वुड बी हु। इस क्वेश्चन में अब यहां पे लिखा जाएगा हु आएगा, राइट। सेंटेंस करेक्ट कैसे बनेगा, ही वॉज द मैन हु दे डिटरमाइंड शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ अपनी वर्ब लिखी हुई है, लेकिन जो शुड बी जो यहां पे वर्ब नंबर थ्री थी उसका सब्जेक्ट यहां पे मिसिंग है, राइट। तो सब्जेक्ट मिसिंग है तो उसके लिए सब्जेक्ट आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हु यू हैव टू राइट ओवर हियर हु, क्लियर। तो फिर इन दोनों का जो आपस में अग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, फिर ये सेंटेंस करेक्ट तब बनेगा जब आप हुम को हटा के क्या लिखोगे यहां पे, हु लिखोगे, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हु किया हमने। आगे देखें, इस क्वेश्चन को पढ़ें, यही मेथड आपने इंप्लीमेंट करना है और जल्दी जल्दी आपके आंसर्स आप डिटरमाइन कर पाओगे कि हु लगना है, हुम लगना है। बट बैकग्राउंड नॉलेज यही है कि आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए कि हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और हेल्पिंग प्लस मेन इक्वल टू एक ही वर्ब काउंट होती है, दो नहीं मानना, ये बेसिक बातें होती है, फंडामेंटल्स हैं ये। ही के साथ सब्जेक्ट ही इज व्हाट ओवर हियर, ही यहां पे क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, ही यहां पे कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर वन, राइट। और इज इसके साथ वर्ब लिख रहा है, साथ में ही लिखी जा रही है वर्ब, तो वर्ब नंबर वन, इन दोनों का अग्रीमेंट आपस में कंप्लीट हो गया। फर्दर मूव करें, सब्जेक्ट नंबर टू, आई इज अ सब्जेक्ट नंबर टू ओवर हियर, सब्जेक्ट नंबर टू को नो, उसके साथ वर्ब लिखी हुई है वर्ब नंबर टू, इन दोनों का आपस में अग्रीमेंट हो गया, आप कट भी कर सकते हो, इसके साथ इसको ड्रॉप कर दें, आगे मूव करें, ठीक है। हैज हेल्प्ड, हैज हेल्प्ड वर्ब नंबर थ्री, Has helping, helped main, एक ही verb count होगी, verb number three। जब verb number three लिख रहा है तो क्या आप इसके लिए यहां पे who लिखोगे, sorry whom लिखोगे, whom तो objective case होता है, तो इस verb को तो subject की requirement है ना, right? तो आप यहां पे बोलेंगे, यहां पे इस verb number three का subject आप लिखेंगे who, right? Subjective case आपको यहां पे subject number three लिखना पड़ेगा और subject number three होगा हमारा who। अब आप इसको बोल के देखें, इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है, हु हैज हेल्प्ड माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प्ड माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट। तो आई थिंक यहां पे हमने कोई गलती नहीं करी है, इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब यहां पे मिल गई, फिर आगे हम थोड़ा बढ़े, ठीक है, ही इज द मैन whom I know, right? I को अपना subject को अपनी verb मिल गई, right? Has helped यहाँ पे verb number थ्री है, has helped के लिए जो हमें subject लिखना पड़ेगा who, clear? तो यहाँ पे इस sentence में whom नहीं आएगा, whom को यहाँ पे drop करें और यहाँ पे आप लिखें who आएगा। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं मैं कर रहा हूँ, सिंपल सब्जेक्ट काउंट कर रहा हूँ, उसके साथ उसकी वर्ब काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट को अपनी वर्ब लेनी पड़ेगी, हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट साथ में लेना पड़ता है, तो उसी के आधार पे ही हम इसको डिटरमाइन करके एरर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, स्टेटमेंट सेइंग द गर्ल्स हु वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, अगेन वो क्वेश्चन आ गया जिसके साथ वर्ब नहीं लिखी हुई है, द गर्ल्स, राइट, द गर्ल्स, सब्जेक्ट नंबर वन, वर्ब साथ में तो नहीं लिखी हुई है, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें, क्या आर हेल्पिंग प्लेइंग मेन, बोल के देखें, इसको रीड करके देखें, द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, मेक सेंस, मेक सेंस मीन्स इस सब्जेक्ट की वो जो वर्ब वहां लिखी है आर और प्लेइंग, ये दोनों इसी के लिए है, तो आर और प्लेइंग दोनों को मिला के कितनी बनी, एक ही बनी, वर्ब नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर वन को अपनी
इस इसको अपनी वर्ब यहां मिल गई, राइट। इन दोनों का अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, आर और प्लेइंग यहां पे हमने एलिमिनेट कर दिए, ये ड्रॉप हो गए, क्लियर। फिर आप आगे मूव करें, देखो वी सब्जेक्ट नंबर टू हैव और सिलेक्टेड, वर्ब नंबर टू सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, दोनों का अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, कोटा पूरा इनका। Have और selected एक ही verb assume करें, बार बार बोल रहा हूं, helping plus main equal to one verb होती है, दो मत माने, ठीक है। In a team, are playing hockey in the field, right? तो अब ये sentence में तो कोई और verb बची नहीं है, जब verb नहीं बची है तो आप यहाँ पे who कैसे लगाओगे, इसके लिए तो verb की requirement होगी, ये तो subject है, subject को तो अपनी verb की requirement होती है, verb तो pending है नहीं, तो यहाँ पे आप whom लिखें, right? The girls whom we have selected in a team are playing hockey in the field. This is the right sentence. Clear? Come to the next question. Question number fourth. John. Subject one is verb one. Agreement complete. Cut ho gaya. Aage bade. John is the man who you met. You. Subject number two. Met. Verb number two. Dono ka agreement pura. Cut. राइट आगे कोई फर्दर वर्ब नहीं बची है, कोई वर्ब ही नहीं बची है, इज थी वर्ब, मेट वर्ब थी, दोनों के सब्जेक्ट साथ में लिखे हुए हैं, तो व्हाई शुड आई राइट ओवर हियर हु, हु एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। सब्जेक्ट नंबर थ्री लगा रहा है, सब्जेक्ट नंबर थ्री के लिए वर्ब नंबर थ्री तो बची नहीं है, जब वर्ब ही नहीं बची है तो इसका मतलब हु गलत हो गया, तो ये रॉन्ग है यहां पे, तो यहां पे आप लिखे हुम आएगा, राइट। जॉन इज द मैन हुम यू मेट एट डिनर लास्ट वीक, ठीक है। तो यही मेथड अगर आप लगाओगे स्टूडेंट्स, तो आप पाओगे कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो आंसर्स हैं निकलते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर बात ये होती है कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बढ़ जाता है समटाइम्स, कि हु और हुम पे कितनी टाइप के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अभी तो हम सिंपल लेवल पे करते जा रहे हैं और निकल रहे हैं हमारे आंसर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है, पहले हमने कर लिया, ये भी हमने पहले कर लिया, मेड द टॉप स्कोर वाला हो चुका है, ये मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, इसको देखें। देखो बोल रहा है जस्ट बिफोर द रेस, मतलब द रेस इसमें सब्जेक्ट है, दिस इज द सब्जेक्ट नंबर वन, राइट। आई आस्क्ड हिम, अब सब्जेक्ट नंबर वन के लिए वर्ब तो लिख नहीं रहा साथ में, तो आप पीछे से पढ़ लें, वॉज उसकी वर्ब आ गई, द रेस वॉज गोइंग टू विन, राइट, द रेस वॉज गोइंग टू विन, क्लियर। तो इस सब्जेक्ट नंबर वन की जो वर्ब है वॉज और गोइंग, ये दोनों ही है, मतलब हेल्पिंग प्लस मेन इज इक्वल टू वन, सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, इन दोनों का अग्रीमेंट कंप्लीट है। मूव करें फर्दर, आए सब्जेक्ट नंबर टू, आस्क्ड वर्ब नंबर टू, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, अग्रीमेंट कंप्लीट, राइट। फिर आप देखें यहां पे थॉट, थॉट वर्ब नंबर थ्री, एक बात का ध्यान रखना, यहां पर लिखा हुआ थॉट वॉज, अगर ऐसे लिखा होता ना वॉज थॉट, अगर लिखा होता वॉज थॉट, तब तो आप वॉज को हेल्पिंग वर्ब मानते और इसको मेन वर्ब मानते और इन दोनों को इक्वल करते तो एक ही बनती, क्योंकि हेल्पिंग प्लस मेन इज इक्वल टू वन वर्ब, राइट, दोनों होती, लेकिन यहां उल्टा लिखा हुआ है थॉट वॉज, इसका मतलब ये अलग अलग है। तो थॉट वहां पे वर्ब की मतलब वर्ब नंबर थ्री का रोल प्ले करेगा और जो है वॉज वहां पे जो है वर्ब नंबर हमने उसके साथ द रेस के साथ सब्जेक्ट नंबर वन की वर्ब वो लगाई थी, राइट। तो थॉट वॉज लिखा है तो वॉज यहां पे लिखा है तो ये आ गई हमारी वर्ब, सॉरी थॉट यहां पे आ गई वर्ब नंबर थ्री, तो वर्ब नंबर थ्री के लिए फिर हम क्या लिखेंगे यहां पे हु, यहां पे हुम नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट यहां पे इसका बन जाएगा ये वाला, तो राइट सेंटेंस बनेगा जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम हु ही थॉट वॉज गोइंग टू विन, who he thought was going to win, sense के according मत लगाएं, गलत हो जाएगा, right? कि आपको बोलने में सही लग रहा है कि sound अच्छा कर रहा है कि whom he thought was going to win, आप rule लगाएं, formula apply करें, ठीक है। इस formula के आधार पे सिर्फ subject और verb को count करें, कितने sentences में subject आ रहे हैं, कितनी उसके साथ verbs आ रही हैं, accordingly answer को hit करें। was or playing इस the race का verb है, ठीक है। I और asked इन दोनों का agreement subject to verb to, लेकिन थॉट यहां पे वर्ब नंबर थ्री है तो वर्ब नंबर थ्री के लिए मुझे वहां पे हु लिखना पड़ेगा ना कि हुम लिखना पड़ेगा, सॉरी या एग्जैक्टली मुझे वहां पे हु लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ वर्ब नंबर थ्री ऑलरेडी मेंशन थी, क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ये भी हमने कर दिया नन वाला, ये ऑलरेडी हो चुका है पहले स्टार्टिंग में करवा दिया क्योंकि द पर्सन इज नन अदर वाला हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइन्थ क्वेश्चन। आई नो कट हो गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आई है, ड्रॉप कर दीजिए इसको, ठीक है। दिस जॉब, सब्जेक्ट नंबर टू, शुड बी इंटरेस्टेड, अब ये है पैसिव वॉइस, राइट, ये पैसिव वॉइस है। शुड बी इंटरेस्टेड को अलग अलग मत माने कि शुड बी इंटरेस्टेड आ गया तो आप कहीं शुड बी को अलग वर्ब मानने लग जाए, इंटरेस्टेड को अलग वर्ब मानने लग जाएंगे, गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं यू शुड वर्क हार्ड, इफ आई से यू शुड वर्क हार्ड, राइट, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड प्ले चेस, प्ले चेस। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे स्टूडेंट तो चेस को पहले उठा लोगे, चेस शुड बी। अब आप देखो यहां पे कैसे बनाई मैंने पैसिव, शुड बी प्लेड, जब मैंने लिखा द चेस शुड बी प्लेड, अब शुड बी प्लेड एक ही वर्ब हुई ना, ये तो इसका पैसिव रूप हुआ, तो आप शुड बी प्लेड को अलग अलग वर्ब्स ना माने, वो एक ही है मिलके। तो इस सब्जेक्ट नंबर टू की वर्ब नंबर टू है पूरी है, राइट तो वर्ब नंबर टू हमें मिल गई, सब्जेक्ट नंबर टू को अपनी वर्ब नंबर टू मिल गई, फर्स्ट स्टार्टिंग में आई को नो मिल गया, तो यहां पे तो कोई वर्ब नंबर थ्री बची नहीं है। जब वर्ब नंबर थ्री बची नहीं है तो भाई हु क्यों आएगा, हुम आएगा, ऑब्वियस है क्योंकि सब्जेक्ट, जहां पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहीं तो सब्जेक्ट लिखोगे, ऐसा थोड़ी है कि वर्ब है नहीं तुम सब्जेक्ट लिख रहे हो, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट को तो वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, वर्ब के बिना तो सेंटेंस बनता ही नहीं है, मीन सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का आना मैंडेटरी होता है। तो उसी आधार पे हमने यहाँ पे हु लिख दिया। आगे देखिए टेंथ क्वेश्चन, ही सर्टेनली अ मैन हु आई नो वेरी वेल इज ट्रस्टवर्दी बियॉन्ड डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट्स, राइट, ही इज, ड्रॉप S1 V1, ड्रॉप हो गए, आई नो, ड्रॉप S2 V2, ड्रॉप हो गए, S2 मतलब सब्जेक्ट नंबर टू बोल रहा हूँ, V2 मतलब सेकंड फॉर्म नहीं बोल रहा, V2 मतलब वर्ब नंबर टू, काउंटिंग में 1, 2, 3 में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ही को इज मिल गया, ड्रॉप हो गया, आई को नो मिल गया, ड्रॉप हो गया। आगे आप चेक करो, वेरी वेल इज वर्ब नंबर थ्री, राइट, वर्ब नंबर थ्री का सब्जेक्ट नंबर थ्री, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल हु एब्सोल्युटली करेक्ट लिखा हुआ है। बोल के देखें, हु इज ट्रस्टवर्दी बियॉन्ड डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट्स, राइट, सो ही इज सर्टेनली अ मैन हु आई नो, बोलने में भी आपको लग रहा होगा कि हुम आई नो, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब उसकी स्टूडेंट्स गिवन है आगे, उस हु के लिए वो इज लिखा हुआ है, हु इज ट्रस्टवर्दी बियॉन्ड डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट्स, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी वर्ब्स हैं, इज यहां पहली वर्ब है, नो दूसरी वर्ब है, फिर आगे इज दोबारा से तीसरी वर्ब है, तीन ही सब्जेक्ट है, इज का सब्जेक्ट ही है, नो का सब्जेक्ट आए है, तो इज का सब्जेक्ट हुई तो लिखा जाएगा, आप हुम थोड़ी लिखोगे यहां पे, गलत हो जाएगा। आगे देखें, ये भी हमने कर लिया, ये कोड वाला, इसको देखें, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, इट इज द नीड ऑफ द आवर दैट वी शुड हेल्प पीपल हुम वी थिंक आर पुअर, राइट, इट इज, ड्रॉप हो गया, वी शुड हेल्प, शुड हेल्पिंग मॉडल वर्ब और ये मेन वर्ब, ड्रॉप हो गया। आफ्टर दैट आप देखें लिख रहा है हुम, वी थिंक, ड्रॉप हो गया, तीन सब्जेक्ट है इसमें, ये सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है, राइट, सब्जेक्ट थ्री है, अब लिखा है वी थिंक आर, वर्ब फोर है, वर्ब फोर के लिए सब्जेक्ट फोर लिखोगे या ऑब्जेक्ट लिखोगे वर्ब के साथ, ठीक है, तो हु आना चाहिए, राइट, तो यहां पे हु लिखोगे, बोल के देखो, हु आर पुअर, बिल्कुल अप्रोप्रिएट सेंस बन रही, हु आर पुअर, इट इज द नीड ऑफ द आर दैट वी शुड हेल्प पीपल हु वी थिंक आर पुअर, नॉट हुम वी थिंक आर पुअर, ठीक है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट फोर सब्जेक्ट्स आर कमिंग, फोर सब्जेक्ट्स नहीं दे रहा था वो, मैंने हु लगाया तो फोर सब्जेक्ट्स हुए, तीन सब्जेक्ट दे रहा है, सब्जेक्ट नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर टू, सब्जेक्ट नंबर थ्री, फोर्थ सब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन वर्ब्स इसमें फोर आ रही हैं, चार वर्ब्स कैसे कैसे हैं देख लो, इज पहली है, शुड हेल्प दूसरी है, ठीक है, फिर उसके बाद थिंक तीसरी है,
वी के साथ थिंक आ गई तीसरी, ये तीसरी है, और आर यहाँ पे वर्ब फोर है, वर्ब्स चार है, सब्जेक्ट तीन है, तो सब्जेक्ट तीन है तो गिनती में तो चार होने चाहिए थे, तो चौथा लगाओ ना, तो चौथा हुई तो लगाना पड़ेगा आपको यहाँ, हो गया आंसर। नेक्स्ट 13 देखो, ही सॉ अ जेंटलमैन हु हुम ही प्रज्यूम टू बी द डायरेक्टर एंड टोल्ड हिम अबाउट हेलेन। इस सेंटेंस में थोड़ा सोचना पड़ेगा अब आपको, इसमें कॉन्सेप्ट घुमा रहा है। ही सॉ अ जेंटलमैन, उसने एक जेंटलमैन को देखा, हुम डिड ही सी, हुम डिड ही सी अ जेंटलमैन, हुम का रिप्लाई आ रहा है तो सॉ के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, राइट, क्योंकि हुम और व्हाट के रिप्लाई उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। ही सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब आ गई, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, अग्रीमेंट इनका कंप्लीट है, कोटा पूरा हो गया, खत्म करो इनको, ठीक है। बोल रहा है ही सॉ अ जेंटलमैन, उसने एक जेंटलमैन को देखा, हुम ही प्रज्यूम्ड, हुम ही प्रज्यूम्ड टू बी द डायरेक्टर एंड टोल्ड हिम अबाउट हेलेन। अब स्टूडेंट्स यहां पे गलती मत करना आप, ठीक है, हुम ही प्रज्यूम्ड ये सब्जेक्ट नंबर टू है, ठीक है। अब ये जो प्रज्यूम्ड लगा है ना, वर्ब नंबर टू, ठीक है, और ये जो आगे टोल्ड लगा है, ये एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि उसने एक जेंटलमैन को देखा, ठीक है, जिसको उसने प्रज्यूम कर लिया, उसने पहले से ही प्रज्यूम कर लिया, मान लिया कि वही डायरेक्टर है, और उसको बता दिया हेलेन के बारे में, ठीक है। तो यहां पे ना कई बार ऐसा होता है कि एक ही वर्ब के लिए जो है, मतलब एक्शन दो होते हैं, लेकिन उसके लिए कॉमन डूअर भी होता है, एक ही सब्जेक्ट उन दोनों एक्शन को परफॉर्म करता है। एक छोटे से वाक्य से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे मैं बोलता हूं सीइंग अ लायन शी जंप्ड, राइट, ये स्टेटमेंट है। अब इस पूरी स्टेटमेंट में एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, इन दोनों वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये है। अब अगर आप देखोगे ना, तो ये एक्शन भी इसी ने किया और ये एक्शन भी इसी ने किया, दोनों एक्शन के लिए एक ही सब्जेक्ट यूज हो रहा है शी, राइट, ये कॉमन डोर है, तो इसको हम कॉमन डोर बोल सकते हैं, कॉमन सब्जेक्ट बोल सकते हो आप इसको, ये कॉमन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लायन को देखकर वो उसने जंप किया, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ही को सॉ मिल गया, ठीक है, ही को प्रज्यूम्ड मिल गया, और ये जो टोल्ड लगाया ना वो भी उसी के लिए, तो यहां पर हुम आएगा, हुम ही प्रज्यूम्ड ही रहेगा, क्योंकि इस वर्ब के लिए आप हु ना लगाने लग जाए, ये दोनों एक्शन के लिए जो है एक ही सब्जेक्ट उसको कर रहा है, ही ने ही वो परफॉर्म किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे अगर इसकी कॉम्प्लेक्स लेवल की बात करें तो वहाँ पे घुमा देता है कॉन्सेप्ट को। हु हुम डिड द कैंडिडेट चूज फॉर दिस रनिंग मेट, राइट। अब देखो, डिड सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, डिड क्या है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, चूज क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये जो डिड और चूज है ना, इनको दो ना माने, एक ही है, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये दोनों है, मतलब दोनों को एक ही अज्यूम करें, राइट, क्योंकि हेल्पिंग प्लस मेन इज इक्वल टू वन वर्ब, ठीक है, दो ना माने, सब्जेक्ट द कैंडिडेट है, ये दोनों वर्ब इसी सब्जेक्ट की है, मतलब इन दोनों को मिला के एक ही है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई और इसमें कोई सब्जेक्ट बचा नहीं, ठीक है, और इसमें कोई वर्ब नहीं सॉरी बची, ठीक है, क्योंकि डिड और चूज दोनों इसी सब्जेक्ट की वर्ब है। ये अलग बात है कि इसको इंटरोगेशन फॉर्म में दे रहा है, कॉम्प्लेक्स कर रहा है सेंटेंस को, कि बच्चा कंफ्यूज हो यहां पे, बच्चा ये माने कि डिड के लिए हम हु लगा दें, इस हु के लिए मे बी डिड लग जाएगा और द कैंडिडेट के लिए चूज लगाया, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग प्लस मेन जो है मिलके एक ही होती है, तो वो इसी कैंडिडेट, ये जो सब्जेक्ट है इसी के लिए दोनों है, इसी के लिए दोनों है, तो हु नहीं आएगा, हुम आएगा। हुम डिड द कैंडिडेट चूज फॉर दिस रनिंग मेट, राइट, क्योंकि आगे और कोई भी वर्ब नहीं आ रही, ये जो रनिंग आ रहा है वो जेरंड का काम कर रहा है आगे, ठीक है, उस पर ना जाए, उसको वर्ब ना माने गलती से, तो हुम यहाँ पे आना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई और वर्ब मिसिंग वर्ब नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट आप लगा ही नहीं सकते। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन एक और देखें, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, आई को एम मिल गया, ड्रॉप हो गया, ठीक है, आई को नो मिल गया, ड्रॉप हो गया, जब सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट नंबर वन को वर्ब नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर टू को वर्ब नंबर टू, तो फिर हु क्यों लिखूंगा, वर्ब नंबर थ्री तो है ही नहीं, तो यहां पे आना चाहिए हु, राइट। सो आई थिंक आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा, बड़े सिंपल से काउंटिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हो, कुछ बेसिक्स बातें हैं जो पहले भी रिपीट की, कि हेल्पिंग प्लस मेन इज इक्वल टू वन वर्ब काउंट करनी है, दो नहीं उसको मानेंगे, ठीक है, व्हाट और हुम के जो रिप्लाई होते हैं वर्ब के बाद वो हमेशा उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बेसिकली नाउन या प्रनाउन ही होता है 99%, और सब्जेक्ट भी मोस्टली जो है नाउन या प्रनाउन ही होता है,
क्लियर, वो अलग बात है। फिर सब्जेक्ट के कई रूप होते हैं, कई सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी होता है, सब्जेक्ट के दो तीन वर्ड शब्दों के साथ मिलके कंपाउंड बन के भी सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो फिर वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो चैप्टर होता है उसमें हम क्लियर करेंगे। हु और होम का जो मैंने फंडा दिया है, अब इस पे आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टूडेंट्स 20% ही होता है, 80% है बेसिकली। अब आप इस पे जो है कम से कम 50 क्वेश्चंस हु और होम के और प्रैक्टिस करें, 15 मैंने सॉल्व करवा दिए, क्लियर। तो जब आप हु और होम पे कुछ और क्वेश्चन से ऐसे इसी ट्रिक से करोगे, ठीक है, कि सब्जेक्ट काउंट करना है, वर्ब काउंट करने हैं, उनके अग्रीमेंट देखने हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कोई वर्ब आ रही है तो मतलब हु वहाँ पे लगना है, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं आ रही है तो हु ड्रॉप करके वहाँ होम लिख दें, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना रहेगा स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।